नमस्कार। क्या प्रशांत किशोर बिहार में बनाएंगे नई पार्टी? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। कभी सीएम नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार और बेहद खासम खास रहे प्रशांत किशोर ने जदयू से निष्कासित होने के बाद जब पहली बार बिहार में अपने पैर रखे तो उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बहुत सारी बातें की। सभी लोग इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि आखिर प्रशांत कहना क्या चाहते हैं। क्या प्रशांत किशोर किसी नई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का गठन करेंगे? क्या प्रशांत किशोर महागठबंधन का समर्थन करेंगे या प्रशांत किशोर बिहार में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेंगे? सबके मन में जिज्ञासाएं तो काफी थी, लेकिन प्रशांत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकांश बातें इशारों ही इशारों में कर दी। प्रशांत ने कई बातें नीतीश कुमार के भी खिलाफ कहीं, लेकिन नीतीश कुमार को अपना पिता तुल्य बताना भी नहीं भूले। अब प्रशांत किशोर की बातों पर गौर करें और उनका विश्लेषण करें तो एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर अपनी एक पार्टी जरूर बनाएंगे। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने 100 दिन का वक्त लिया है और युवाओं और छात्रों के साथ खुद को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने की रणनीति का खुलासा किया है और साथ ही साथ यह भी बताया है कि अब राजनीति में एजेंडा बिहार के विकास का होना चाहिए, अब इन बातों का निष्कर्ष क्या निकाला जाए? क्या बिना सत्ता या सरकार के विकास किसी एजेंडे को लागू किया जा सकता है? नहीं। प्रशांत ने बेहद चतुराई से अगले 10 साल बाद बिहार खड़ा कहां रहेगा यह कहकर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी जगजाहिर कर दी। प्रशांत किशोर को 2021 के बिहार पंचायत चुनाव तक अपने 10,000 समर्थकों को मुखिया भी बनाना है। जाहिर है कि प्रशांत गांव स्तर तक अपने आप को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। 100 दिन का वक्त भी प्रशांत किशोर ने लोगों को दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशांत के कैंपेन के साथ जुड़ जाएं। 100 दिन का अघोषित सदस्यता अभियान, बिहार के विकास का एजेंडा और 10,000 मुखिया प्रत्याशियों को खड़ा करने की कवायद से साफ है कि प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, हालांकि उनकी नज़र बिहार विधानसभा 2025 पर ही हो सकती है। धन्यवाद।